दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी अभी एक न्यू अपडेट आया। इस अपडेट के आने के बाद अब अपने फोन पे में या किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन में अपने आधार कार्ड के माध्यम से भी अपना यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले आपको पता है कि सिर्फ आप अपने एटीएम कार्ड के थ्रू इसको क्रिएट कर पाते थे, लेकिन इस अपडेट के आने के बाद अब आप अपने आधार कार्ड के थ्रू भी यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसमें काफी दोस्तों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब वो अपने फोन पे की एप्लीकेशन में अपने बैंक को ऐड कर रहे हैं तो उनका बैंक तो लिंक हो जाता है, लेकिन जब वहाँ पे यूपीआई आईडी क्रिएट करने जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें आधार का ऑप्शन ही देखने को नहीं मिल रहा है। तो आज के वीडियो में आपको इसी की पूरी डिटेल बताने वालों कि आपके फोन पे की एप्लीकेशन में अगर आपको आधार यूपीआई का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो वो क्यों नहीं मिल रहा है और ये आपके फोन पे में आप किस तरह से शो करा सकते हैं। तो अगर आप भी इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं सबसे पहले आपको इस वीडियो को यहां पर लाइक कर देना है। वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यहां पर आपको बेल आइकन पर प्रेस करना और यहां पर ऑल को सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियो लाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जैसे कि सबसे पहले तो मैं अपनी फोन पे की एप्लीकेशन आपको ओपन करके दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी फोन पे की एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अब फोन पे की एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद जैसे आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे जाते हैं तो आपने जितने भी अपने अकाउंट लिंक करके रखे होंगे इस तरह से आपको आपके पूरे अकाउंट देखने को मिल जाते हैं। अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा। आपको ऐड बैंक पर क्लिक करना है, अपने बैंक को सर्च करना है, उसके बाद ओटीपी वेरीफाई होगा और आपका बैंक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप इसको ऐड कर लेते हैं उसके बाद जब आप यूपीआई आईडी क्रिएट करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं यहां पे पेटीएम के डिजिट मांग रहा है, यानी कि यहां पे देख सकते हैं कि आधार का कोई ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर आपके भी साथ ये प्रॉब्लम, चलिए मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने आपको एसबीआई ओपन करके दिखाया तो इसमें आधार का ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं पेटीएम पेमेंट बैंक को ओपन करता हूं, यहां पर रिसेट पे जाता हूं, रिसेट में इसलिए कर रहा हूं दोस्तों कि मैंने यहां पर ऑलरेडी यहां पर यूपीआई आईडी क्रिएट किया हुआ है। लेकिन जब अपने बैंक को आप ऐड कर लेते हैं तो आपको रिसेट का ऑप्शन नहीं आता, आपको सेट यूपीआई का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मुझे एटीएम कार्ड का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है और आधार कार्ड का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि मैं अपने आधार कार्ड के थ्रू भी यहां पर अपना यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकता हूं और इस बैंक में मैंने उसी के थ्रू किया हुआ है। लेकिन अगर आपके बैंक में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है तो बता दूं दोस्तों कि यह अपडेट अभी सिर्फ 15-20 बैंकों में ही आया। उन बैंकों में से किसी बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो ये अपने आधार कार्ड के थ्रू यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका एसबीआई में अकाउंट है, बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, जैसे कि अगर आपका आईसीआईसीआई में अकाउंट है तो अभी आपको यहां पर आधार यूपीआई का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं कि किन किन बैंकों में ये एनेबल हो चुका है। तो यहां पर आप ये लिस्ट देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनेडा बैंक है, कॉस्मोस बैंक है, इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं यूको बैंक, पंजाब बैंक, इसके अलावा इंडसइंड बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, इसके अलावा फेडरल बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है, यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके अलावा भी अभी कुछ नाम और जुड़े हैं जैसे कि जियो पेमेंट बैंक वगैरह। तो इन बैंकों में से अगर किसी बैंक में आपका अकाउंट है तो अपने आधार कार्ड के थ्रू यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका अकाउंट एसबीआई में, बैंक ऑफ इंडिया में, आईसीआईसीआई में तो अपने आधार कार्ड के थ्रू यूपीआई आईडी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कुछ ही दिन और वेट करना है क्योंकि धीरे धीरे सभी बैंक इस अपडेट को लेकर आ रहे हैं। तो कुछ ही दिनों में ये सभी बैंकों में लागू हो जाएगा और उसके बाद अपने एसबीआई या अपने किसी और अकाउंट में भी आधार कार्ड के थ्रू अपना यूपीआई आईडी क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके फोन पे में आधार यूपीआई का ऑप्शन आपको शो क्यों नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।